फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी चैनल मेरी रसोई में। आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए न्यू वीडियो लेके। न्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज आप सभी के लिए ये न्यू वीडियो है, क्योंकि आप जब भी घर में राइस बनाते हैं तो आप ये बचे हुए राइस या को फेंक देते हैं या तो ये किसी को दे देते हैं, तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा। जब आप ये राइस बच जाए आपके घर में तो आप ऐसे कुछ भी बनाकर इस बच्चों को खिला सकते हैं। जैसे कि मैंने आज बनाया है न्यू वीडियो में राइस केक। ये है राइस केक, आप देखिए कितनी सॉफ्ट वाली एंड स्पॉन्जी वाली मैंने राइस केक बनाई है। ये हमारे घर में सभी बच्चों को ये राइस केक पसंद आती है। जब भी मेरे राइस बच जाता है तो मैं ऐसे कुछ बना के इसे खिला देती हूँ बच्चों को। तो मेरे घर में ये केक तो बस सभी बच्चों को पसंद आती है, तो इसलिए मैं हमेशा राइस केक ही बना के बच्चों को खिला देती हूँ। तो अब आप राइस को फेंक के मत और बच्चों को ऐसे केक बना के हेल्दी वाली बना के खिला सकते है। केक ये आसानी से घर में बन जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी चैनल को प्लीज पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं राइस केक। हमें राइस केक बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 5 कप्स चावल है। ये जो दोपहर के चावल थे बचे हुए मैंने वो लिए है, 5 कप्स है ये। और 1.5 कप जितने हमारे यहाँ सूजी लिया है 1.5 कप, और 1.5 कप जितना राइस का फ्लोर लिया है राइस का आटा। और यहाँ पे मैंने 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है, 1 कप शुगर पाउडर ली है और 2 से 3 चम्मच जितना मैंने यहाँ पे कोकोनट ड्राई कोकोनट लिया है और 1/2 कप से थोड़ा कम घी लिया है। तो मैंने यहाँ पे राइस, आप सोच रहे हैं कि मैंने 5 कप्स कैसे कह दिया, तो मैंने 5 कप्स ये वाले 5 कप्स है मेरे यहाँ राइस के। तो चलो कैसे राइस कप बनाते हैं केक तो मैं आपको सिखा देती हूँ। तो हम पहले इस राइस को जो हमने बॉईल किया राइस है वो हम मैं मिक्सी जार में ऐड करके इसे बारीक सा बारीक वाला पीस लूंगी। तो हमने यहाँ पे चावल मिक्सी जार में ऐड कर दिए हैं। तो अब मैं इसमें गुनगुना दूध ऐड करूंगी। हमें थोड़ा सा मिल्क गुनगुना ही यूज इसमें करना रहेगा, हम ज्यादा इसमें नहीं डालेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। तो अब मैं इसे पीस लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे राइस को पीस लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ आपको भी कैसा ऐसा ही पीसना रहेगा। आप देखिए बिल्कुल स्मूथ वाला, आपको भी ऐसा ही पीसना रहेगा। तो मैं ये निकाल लेती हूँ और इसी तरह मैं दूसरा भी पीस लेती हूँ राइस। तो मैंने यहाँ पे सारे राइस को पीस लिया है मिक्सर ग्राइंड में, आप देख सकते हैं स्पून मेटर हमने कर लिया है, आपको भी ऐसा ही करना रहेगा। तो मैं इसमें जो हमने राइस का आटा लिया है वो इसमें ऐड कर देती हूँ। आप जितनी क्वांटिटी में करना चाहते हैं आप उतनी क्वांटिटी में ये कर सकते हैं। अब मैं इसमें सूजी ऐड कर देती हूँ। आप ये अपने बच्चों को बनाकर खिलाएंगे तो ये बढ़िया टेस्टी बनती है ये केक हमारी, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। मिल्क पाउडर और शुगर अब सभी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गुनगुना हुआ जो मिल्क हमने किया है वो इसमें ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे मिल्क ऐड कर दिया है, तब हम इसे मिक्स करेंगे।
अच्छी तरह से हमें इसमें जो हम केक का बैटर बनाते हैं हमें उसी तरह का इसको बैटर बनाना रहेगा। अब हमने सारा बैटर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। तो अब मैं इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए ढक के रख देती हूँ। जब तक हमारा बैटर रेस्ट ले रहा है तब तक हम जो हमने स्टीम करना है हम राइस केक को उस कढ़ाई को हम रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने स्टैंड भी रख दिया है। तो मैं उसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर देती हूँ। और मैं पानी को उबलने के लिए रख देती हूँ ढक के। तो मैंने यहाँ पे पानी को उबलने के लिए रख दिया है। तो मैं यहाँ पे स्लो टू मीडियम गैस पे पानी को उबलने के लिए रखूंगी अभी। और अब मैं जिसमें हमें केक बनानी हो, केक टिन हो या कटोरी हो, आप जिसमें भी केक बनाना चाहते हो आप उसमें पहले ग्रीस करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे कप केक बनाऊंगी राइस के। तो मैंने यहाँ पे ऐसी छोटी वाली कटोरी ले ली है, आप देख सकते हैं। आप जिसमें भी केक बनाना चाहते हैं आप उसमें बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कप केक बना के घर में सभी बच्चों को हैप्पी करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे कपकेक के लिए छोटी वाली कटोरी ले ली है। तो मैं अब इसमें घी, आप घी से ग्रीस करना चाहते हैं तो घी से ग्रीस कर सकते हैं, और ऑयल से करना चाहते हैं तो ऑयल से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे घी से आज ग्रीस करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे घी से ग्रीस करूंगी, आप देखिए अच्छी तरह से हम घी से सभी कटोरी को ग्रीस कर लेंगे। इसी तरह मैं सारी कटोरी में घी से ग्रीस कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ सारी कटोरी में घी से ग्रीस कर लिया है। तो अब मैं थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो अब हमारे 15 मिनट भी हो चुके हैं, हमारे बेटे ने 15 मिनट तक रेस्ट ले लिया है। तो अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा बेटर कितना फूल चुका है। तो हम इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जितनी क्वांटिटी में करे तो भी आप बर्तन को प्लीज बड़ा ही ले, क्योंकि जब आप सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे तब ये बैटर थोड़ा बढ़ेगा, और जब ये रेस्ट लेगा उसके बाद 15 मिनट के बाद ये फिर से थोड़ा सा फूलेगा। तो इसलिए आपको पहले से ही बर्तन बड़ा ले जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। अब मैं इसमें ड्राई कोकोनट है जो हमने लिया है 2 टेबलस्पून जितना, वो इसमें ऐड कर देती हूँ। और घी को हम ऐड कर देते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेके अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करना रहेगा।
से इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये राइस केक है तो इसमें घी का बेटर टेस्ट बढ़िया आता है, इसलिए मैं हम यहाँ पे घी ही यूज करती हूँ। और हम बच्चों को, सभी बच्चों को ये घी वाली केक ही अच्छी लगती है। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हमें इसमें आधी टीस्पून जितना हम बेकिंग पाउडर एड बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। और डेढ़ टीस्पून जितना हम बेकिंग पाउडर यूज करेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ बेटर थोड़ा ज्यादा है तो मैंने डेढ़ टीस्पून यूज की है। और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बेटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो हमने यहाँ पे जब बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर ऐड किया तो हमारा बेटर एकदम फ्लफी हो चुका है। तो अब हम इसे स्टीम होने के लिए कटोरी में ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कटोरी ले ली है, तो मैं इसमें बेटर को ऐड कर देती हूँ। आपको कटोरी को फुल नहीं करना है, आपको आधी ही कटोरी से भरना रहेगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आधी कटोरी भर ली है, आपको भी इतना ही भरना रहेगा, इसमें ऐड करना रहेगा। तो मैं इसी तरह सारी कटोरी को भर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी कटोरी को भर लिया है, तो मैं अब स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। हमारा पानी भी उबल चुका है, तो अब हमारा पानी भी उबल चुका है तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। जो हमने कटोरी की प्लेट तैयार की है वो इसमें ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसे स्लो फ्लेम पे 15 मिनट तक इसे स्टीम होने के लिए रख दूंगी। तो अब हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, हमने स्टीम करने के लिए रखा था, तो अब मैं इसे ओपन करके देख लेती हूँ कि हमारी केक हुई है या नहीं। आप देख सकते हैं हमारी केक कितनी बढ़िया फूल चुकी है। तो हम एक नैप की मदद से इसे चेक भी कर लेंगे कि ये पूरी तरह से पकी है या कच्ची है। तो हम एक नैप लेंगे, इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी नैप बिल्कुल क्लीन निकली है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसे रूम टेम्परेचर पर आने का वेट करती हूँ। आप इसे जो अभी निकालेंगे तो ये अच्छी तरह से निकलेगी नहीं और बिखर जाएगी, तो इसलिए हमें इसे पूरा पहले ठंडा होना देना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे निकालेंगे। तो ये ठंडे होने के लिए हमें वेट करना रहेगा। तो अब हमारी केक रूम टेम्परेचर पर भी आ चुकी है, तो अब मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। अब देखिए, ये जब ठंडी होगी तो ये आसानी से, आप इस दो बार टेप करोगे तो ये आसानी से ऐसे निकल जाती है। देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट वाली ये हमारी राइस केक बनी है। मैं आपको दूसरी भी निकाल के दिखाती हूँ। है ना, आसानी से ये निकलने वाली, ये टेस्टी वाली भी इतनी है हमारी ये राइस केक। तो इसी तरह मैं सारी
केक को निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी राइस केक को निकाल लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट वाली एंड स्पंजी वाली है और टेस्टी भी इतनी है कि बात पूछो मत। ये बच्चों को आप देंगे तो बच्चे तो चटाचट कर जाएंगे, ऐसी ये टेस्टी वाली हमारी राइस केक बनती है। हमारे घर में ये सभी बच्चों को पसंद आती है कि ये राइस केक हम बना के खिलाते तो है। ये बिल्कुल सॉफ्ट वाली एंड स्पंजी वाली है, आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है। आपको ये हमारी राइस केक का वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें ये कमेंट करके कहे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।